संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 26 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण के आंदोलन में जनपदवार निगम के कर्मचारियों ने 11 बजे से 1 बजे तक कार्य बहिष्कार किया। साथ ही साथ एक पौधा धरती मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। वह जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया। साथ ही साथ जनता को कोई परेशानी न हो, पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इस उद्देश्य से कार्य बहिष्कार की अवधि का 2 घंटे का कार्य निगम के कर्मचारियों ने अतिरिक्त किया। उसके बाद भी न तो शासन द्वारा न निगम प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की बात सुनी गई। 13 सितंबर से निगम के कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय देहरादून व निगम मुख्यालय नैनीताल में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रारंभ पौधारोपण के साथ किया। साथ ही साथ जनपदों में 1 बजे से 2 बजे तक जो उनको लंच की अवधि मिलती है, उस अवधि में प्रदर्शन कर पौधारोपण, 1 गमला 1 पौधा के तहत पौधारोपण किया और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इसी क्रम में परमेश्वर कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा सकारात्मक पहल लेते हुए आज 21 सितंबर को 3 बजे से महासंघ के साथ निगम स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की जा रही है। साथ ही साथ गढ़वाल मंडल में भी महाप्रबंधक महोदय ने निगम कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। हमारी 1 सूत्री मांग है नियमितीकरण, अन्य मांगे तो है ही है, नियमितीकरण पहली मांग है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव महोदय से, प्रधान सचिव महोदय से निवेदन है कि हमारे जो निगम के जो कर्मचारी जिनका 20-21 साल से नियमितीकरण नहीं हुआ, उनका नियमितीकरण शीघ्र किया जाए। हमारा उद्देश्य न तो 4 धाम यात्रा रोकना है, न पर्यटकों को परेशान करना है, न ही जनता को परेशानी करनी है। हमारा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम करें, जनता को भी परेशान न करें, अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार का हम लोग हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। हमारा पुनः निवेदन है कि हमारा जो नियमितीकरण की जो लंबे समय से दैनिक वेतन में काम कर रहे हैं, उनका सीधा सीधे नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण के होने के बाद ही हमारा आंदोलन समाप्त किया जाएगा।